हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो हम लोग, जैसा कि आप लोग याद है, हम लोग एमसीक्यू की सीरीज में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में बात कर रहे थे। अभी तक यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ तक एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट यूनिट, यूनिट फिफ्थ बचा हुआ है, इसको कवर कर लेंगे। तो हमारा पूरी तरीके से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आप लोग भी रेडी चाहिए अपने अपने, इसमें जो हमारा पहले कंटेंट देख लीजिए क्या है। देखिए, हमारा कंटेंट जो है ड्रग सॉल्युबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, जिसमें जीरो ऑर्डर, सीडो ऑर्डर, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। कुछ यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यू होता है, कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर से रिलेटेड, कुछ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर से रिलेटेड एमसीक्यू इसमें पढ़ेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर होगी तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें हम स्टेबलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, और एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ेंगे, और फोटोलिटिक डिग्रेडेशन से रिलेटेड एमसीक्यू, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इन सब से रिलेटेड एमसीक्यू हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग रेडी हो जाइए अपने अपने तो नोट करने के लिए, और हमारे साथ मैच करते जाइए। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। आप पूछा है केमिकल काइनेटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, आप लोग राइट आंसर बताइए। इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, ऑप्शन देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही, वन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, टू कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज, इनमें से बताइए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सी बातें सही है। तो चलिए बताते हैं, तो ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन पढ़िए, इसमें जो राइट आंसर होगा आप लोगों को चूज करिएगा। चलिए पढ़िए जल्दी से और राइट आंसर चूज करिए, जिसका हम राइट आंसर तब बताएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला, स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, कह रहा है व्हेन रेट इज इनडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड। तो जब रेट कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे इनडिपेंडेंट होता है, तो किस टाइप की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा हो जाता है कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री का ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कह रहा है इन द गिवन इक्वेशन रेट इक्वल टू दिया है इतना इतना, द ऑर्डर ऑफ द एबव रिएक्शन। तो ऑर्डर बताने में क्या करते हैं, दोनों की पावर को इसको ऐड कर देते हैं। ओके, तो देखिए कहाँ ऐड किया गया है हमारा, ये देखिए स्मॉल वाला सी एंड डी ऐड किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, फोर्थ का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ कर रहा है व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट टू कैरी आउट रिएक्शन कॉल्ड, जब केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है इसे किस टाइप के रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल था, एक के लिए हम लोग यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, फिफ्थ का ए वाला हो जाएगा। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोग याद होगा इसके लिए यूनिट निकालने का तरीका आप लोग याद होना चाहिए, जो नॉर्मल फार्मूला होता है इसका, मोल लीटर यूनिवर्स ब्रैकेट में वन माइनस एन सेकेंड यूनिवर्स होता है, और एन की वैल्यू को आप लोग चेंज करते जाइए आपकी यूनिट बनती जाएगी। अगर जीरो ऑर्डर है तो एन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर है तो एन इक्वल टू फर्स्ट रखिए। अभी आगे एक्सप्लेन कर देंगे आपके हम, यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सिक्स का ए वाला हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ये देखिए हम इसी की बात कर रहे थे, रेट कॉन्स्टेंट बराबर जो हमारा जनरल फार्मूला होता है मोल लीटर यूनिवर्स वन माइनस एन टाइम यूनिवर्स। अब यहाँ वन माइनस एन जो एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, अगर जीरो ऑर्डर पूछे तो यहाँ पर आप जीरो रख दीजिए। ओके, अगर फर्स्ट ऑर्डर पूछे तो यहाँ पर आप एक रख दीजिएगा, और जो आता जाएगा उसकी आपकी यूनिट निकलती जाएगी उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन्थ कह रहा है द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछा था वहाँ पर वन माइनस एन में, तो टू रख देंगे, तो वन माइनस टू के लिए माइनस वन आ जाएगा। इसमें से राइट आंसर देखिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा सेवन्थ का, इसमें से डी वाला। देखिए समय माइनस वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, तो सेवन्थ का डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सी हाफ लाइफ इंस्टेंसेस करेक्ट होगी, आप लोगों को राइट आंसर बताना है। चलिए अगर ऑप्शन याद होगा तो राइट आंसर डायरेक्टली टिक कर लेंगे, इसका ए वाला हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू के। ओके, एट का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होती है, इसमें से ऑप्शन देखिए, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0693 बाई के। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू इतनी होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए वाली, यही पूछा गया हमारा, सेकेंड ऑर्डर के लिए ए होती है। ये दोनों याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन से मेथड का यूज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं,
पहला कर ग्राफिकल मेथड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी करते हैं, हाफ लाइफ मेथड का भी करते हैं, इसलिए सारे मेथड का यूज करते हैं। टेंथ का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, 11th कह रहा है दी एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज आर प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन। अब देखिए इसका राइट आंसर बताइए, इसमें से राइट आंसर आप लोग को दिख ही रहा है ऑलरेडी, जिसको वही ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला, सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, 11 का डी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, 12th कह रहा है द टाइम नेसेसरी फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू डिक्रीज टू 90% ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो किस टाइप का टाइम को, मतलब किस टाइप का, मतलब डिफिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सेल्फ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12th का हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 13 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन के डिग्रेडेशन के लिए कौन सी रिएक्शन ऑब्जर्व की जाती है, ऑप्शन बताइए, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बी वाला, हाइड्रोलिसिस, 13 का बी। नेक्स्ट 14 करो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडरगो ईस्टर हाइड्रोलिसिस। इनमें से कौन सी ड्रग ऐसे जो ईस्टर हाइड्रोलिसिस के द्वारा मतलब यूज होती हैं, चलिए राइट आंसर बताइए, प्रोकीन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हमारा एट्रोपिन भी होता है, एस्पिरिन एंड फाइसोस्टिग्मिन भी होता है, हाइड्रोलिसिस के द्वारा ईस्टर हाइड्रोलिसिस में जाता है, तो ये राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडरगो एमाइन हाइड्रोलिसिस। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो एमाइन हाइड्रोलिसिस में जाती है, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, पहला है डिबुकेन, बिल्कुल जाती है, अर्गोटामाइन बिल्कुल जाती है, क्लोरम्फेनाकोल एंड बारबिट्यूरेट ये भी जाती है, इसलिए 15 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, सारी मतलब रिएक्शन सारे ड्रग्स एमाइन हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ दीज मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन सी मेथड मोस्ट इफेक्टिव होता है, जल्दी से बताइए राइट आंसर, चलिए राइट आंसर बताइए, तो क्या बफर होगा, नहीं, कम्प्लेक्सेशन भी नहीं, सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी भी नहीं, तो सी हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, 16 का सी। नेक्स्ट है 17 कह रहा है ऑन ए प्रोडक्ट द लेबल स्टेटेड, कोई प्रोडक्ट है जिस पर लेबल लिखा हुआ प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, मतलब लाइट से प्रोटेक्ट करना है, तो व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन डज द प्रोडक्ट अंडरगो। तो इसमें से क्या, किस टाइप का डिकम्पोजिशन हो सकता है, प्रोडक्ट किस टाइप के मतलब रिएक्शन कर सकता है, तो बताइए इसका जो क्या हो सकता है, लाइट से बचाने के लिए इसी ये कहा गया, क्योंकि लाइट में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, 17 का डी वाला। ओके, नोट करिए। नेक्स्ट 18 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली नॉट ए केमिकल डिकम्पोजिशन, इनमें से कौन सी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, चलिए राइट आंसर बताइए, आइसोमराइजेशन होता है, हाइड्रोलिसिस भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, तो बचा हमारा वोलेटिलाइजेशन, यही हमारा नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इनमें से कौन सी फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, चलिए राइट आंसर बताइए, इनमें से देखते हैं, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, कैटालिसिस भी करता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी करता है, इसलिए 19 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो कैसे एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जल्दी से राइट आंसर बताइए, इसमें से किस लॉ के द्वारा, किस इक्वेशन के द्वारा होता है, तुम्हारा एक ही इक्वेशन है, आरहेनियस इक्वेशन, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 कह रहा है द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूज टू मेजर, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज हम करते हैं किसके मेजर के लिए, तो 21 का राइट आंसर बताइए, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट के लिए। ओके, 21 का बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 22 कह रहा है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू, जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है किसके लिए डन होता है, राइट आंसर बताइए, इसमें से देखिए राइट आंसर चूज करिए जल्दी से, तो किसके लिए डन होता है, ए के लिए, प्रेडिक्ट सेल्फ ऑफ द फॉर्मूलेशन। ओके, 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 कह रहा है ICH स्टैंड पर, अब ICH का फुल फॉर्म बताना आप लोग को, जल्दी से बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट 24 कह रहा है द स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज डन, स्टेबिलिटी टेस्टिंग डन होता है किस लिए हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, जल्दी से बताइए। ए कह रहा है टू डिटरमाइन सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल इसी के लिए करते हैं, टू डिटरमाइन द कंपोनेंट यूज फॉर पैकेजिंग, इसके लिए भी करते हैं। सी कह रहा है टू गेट इन्फॉर्मेशन एट प्री फॉर्मुलेशन स्टेज, बिल्कुल इन सब के लिए हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ता है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज आप फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, इसमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ड्रग का फिजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। ए कह रहा है वोलेटिलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के दौरान ऐसा हो सकता है।
दिख रहा चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बिल्कुल चेंज की वजह से हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर की वजह से हो सकता है, बिल्कुल सारी बातें सही है फिजिकल डिग्रेडेशन के लिए, ड्रग के लिए। तो 25 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 26, कह रहा ड्यूरिंग स्टोरेज क्रिस्टल ग्रोथ इज ऑब्जर्व इन सस्पेंशन ड्यू टू, तो बताइए स्टोरेज के समय क्रिस्टल ग्रोथ ऑब्जर्व होता है सस्पेंशन में किसकी वजह से, राइट आंसर बताइए, हमारा हो जाएगा बी वाला, फ्लक्चुएशन इन दी एम्बियंट टेम्परेचर की वजह से ऐसा हो जाता है। ओके 26 का बी। नेक्स्ट है 27, कर द स्टोरेज डायरेक्शन ऑन ए पेरेंटल सॉल्यूशन स्पेसिफाई स्टोर इन कूल प्लेस, दिस में स्टोर बी स्टोर इन, तो किस टेम्परेचर पे इसे स्टोर कर सकते हैं हम, जो पेरेंटल सॉल्यूशन होते हैं यानी इंजेक्शन से जो ड्रग होती है उसको हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 कह रहा है द ड्रग मॉलिक्यूल इज डिग्रेडेड बाय एक्सपोजर ऑफ लाइट, इट अफेक्ट सब्सटेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, दिस फिनोमेना इज नोन एज, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, यानी लाइट का यूज, लाइट मतलब फोटोलिटिक डिग्रेडेशन हो रहा। 28 का हमारा ए वाला हो जाएगा, फोटोलिटिक डिग्रेडेशन, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है एस्पिरिन अंडरगो डीकम्पोजिशन इन ए फॉर्मुलेशन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो कैसे प्रिवेंट करते हैं एस्पिरिन के डीकम्पोजिशन को, जल्दी से राइट आंसर बताइए कैसे करेंगे, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सप्रेसिंग इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके 29 का डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 एंड लास्ट क्वेश्चन 30 का रहा ड्यूरिंग द ऑटोक्लेविंग ऑफ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन ए स्ट्रक कलर्ड इज ऑब्जर्व, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस, तो ये किस सब्सटेंस की वजह से स्ट्रक कलर्ड होता है जब हम डेक्सट्रोज को ऑटोक्लेव करते हैं, याद होगा आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे लैब में, तो बताइए उस कौन सा कंपाउंड बनता है, तो राइट आंसर बताइए हमारा बनता है 5-हाइड्रोक्सीमेथिलफुरफुराल बनता है, 13 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से हमारे पूरी तरीके से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं। ओके तो आप लोग के लिए एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, और हम लोग हमने जो फिजिकल सॉरी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू ऑलरेडी अपने चैनल में डाल चुके हैं, बाकी के एमसीक्यू भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है आपके जीपीएट के लिए, नाइपर के लिए, फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं फार्मासिस्ट के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप सारे एमसीक्यू को जरूर लगाइएगा, और हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू के बारे में, और टाइम मिलता जाएगा हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तक एमसीक्यू बचे हुए हैं सारे एमसीक्यू हम इस वीडियो में कवर करेंगे और नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए और इस फार्मेसी फैमिली को और ज़्यादा मतलब बढ़ाइए। ओके तो आप लोग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, बाय बाय, टेक केयर।